Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you sir Abid English Language Forum. This is my first video and I am making this video for those students who have difficulty in the perfect continuous tenses. Then where they should use the since and for. So in this video I will give you some techniques, very easy techniques that if you follow those techniques you will be able to use the since and for very easy. बुनियादी तौर पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट के हो या पास के हो जब स्टूडेंट्स उसमें मोस्टली मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट जब वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि कहाँ पे इन्हें सिंस का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इन्हें फॉर का इस्तेमाल करना है. तो मैं आपको कुछ ईजी टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आप उन ईजी टेक्निक्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम भी पेश नहीं आएगी. अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इस वक्त नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास किसी पेपर के ऊपर. सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंस की. बुनियादी तौर पर सिंस जो है ना तीन टाइमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को हम जब भी इस्तेमाल करते हैं जब टाइम पीरियड बताया जा रहा हो. कोई भी काम जो चल रहा हो या चल रहा था या चल रहा होगा एक मखसूस वक्त के साथ टाइम पीरियड के साथ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. जब प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कोई भी काम जो मौजूदा वक्त में चल रहा है एक खास वक्त के साथ. अब जब हमारे पास वक्त आता है सामने तो हम ये परेशान हो जाते हैं, हमें कन्फ्यूजन ये पेश आती है कि हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे या हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिंस को हमें कब इस्तेमाल करना है. तो देखिए सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास तीन तरीके की टाइमिंग्स है. नंबर वन स्टार्टिंग टाइम, नंबर टू कैलेंडर टाइमिंग एंड नंबर थ्री जो हमारे पास यहाँ पे क्लॉक टाइमिंग. कैलेंडर टाइमिंग से क्या मुराद है? कैलेंडर टाइमिंग का मतलब ये कि जब हम नॉर्मल हम कैलेंडर देखते हैं तो कैलेंडर में हम क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं ईयर, कोई भी एक साल हो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 1991, 1992 etc. फिर हम देखते हैं महीना कौन सा चल रहा है, जनवरी है, फेब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन इसके बाद हम देखते हैं डे कौन सा है, तारीख कौन सी है. तो अगर कैलेंडर की टाइमिंग में से हमारे पास कोई भी एक चीज आ जाए या साल का नंबर आ जाए कि कौन सा साल है, कौन सा सन है, महीने का नाम आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए, तो फिर हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे. फिर इसके बाद आया था हमारे पास क्लॉक टाइमिंग. क्लॉक टाइमिंग का मतलब क्या है? हमसे पूछता है कि क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, हम घड़ी में से देख के टाइम बताते हैं 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं. तो जब हमारे पास ट्रांसलेशन में खासतौर पर 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस की ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा आती है जिसमें इन्हें सिंस और फॉर का यूजुअली इस्तेमाल करना पड़ता है, आमतौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है. तो आप ये देखेंगे अगर ट्रांसलेशन में कैलेंडर की टाइमिंग में से कोई एक चीज आ जाए, साल आ जाए या महीना आ जाए, दिन आ जाए, तो फिर आप सिंस इस्तेमाल करेंगे. दूसरा मैंने आपको क्लॉक टाइमिंग बताया कि अगर घड़ी का कोई टाइम आ जाए कि 2 बजे से, 3 बजे से या 4 बजे से घड़ी का कोई टाइम आ जाए तो इसमें भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का इस्तेमाल करेंगे. तीसरा स्टार्टिंग टाइम. स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या? हमारे पास कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग, सुबह का वक्त. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग टाइम क्या है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कितना टाइम यानी कब से हुआ है, हमें पता है कि सुबह से हुआ है. इसी तरीके से लास्ट नाइट, बिगनिंग, चाइल्डहुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवनिंग, सही है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लास्ट नाइट, फिर इसी तरीके से बिगनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये स्टार्टिंग टाइम से फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं. इन तमाम के साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का. अब आया थी बारी किसकी? फॉर की. फॉर इसके बिल्कुल जो है ना वो बरक से बिल्कुल अपोजिट है. फॉर में अब बस आप एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपके सामने कोई कैलकुलेटेड फिगर आ जाए. कैलकुलेटेड फिगर का मतलब क्या है? कि मैथ का कोई नंबर आ जाए किसी साल के साथ, किसी महीने के साथ या किसी दिन के साथ. फॉर एग्जाम्पल आ जाए कि 4 ईयर्स, 4 साल. अब इसमें सन नहीं बताया जा रहा आपको, इसमें नंबर दिया जा रहा है, मैथमेटिकल नंबर दिया जा रहा है, कैलकुलेटेड फिगर दी जा रही है. इसी तरीके से आ जाए 4 दिन, 5 दिन, 4 घंटे, 4 साल, 4 महीने, 4 मिनट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जब कैलकुलेटेड फिगर आपके सामने बताई जा रही होगी तो ट्रांसलेशन में, तो फिर आप इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं 4 साल से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स. लेकिन हमारे सन, मैं 1994 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मैं अब क्या यूज करूंगा? आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1994, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहा है सन का. इसी तरीके महीने की अगर हम बात करें तो इसमें फिर क्या होगा कि मैं 4 महीनों से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 मंथ्स. लेकिन अगर इसी तरीके से आपके सामने आ जाए कि सेप्टेम्बर से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस सेप्टेम्बर. मैंने क्यों सिंस का इस्तेमाल किया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे महीने का नाम आ रहा है. मैं फिर अपनी बातों को कंक्लूड समराइज करके आपके सामने पेश करूंगा कि कैलेंडर टाइमिंग आ जाए जब आपके पास, तो फिर इसमें आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं. महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी तरीके से सन बताया जा रहा हो, सिंस का इस्तेमाल. क्लॉक टाइमिंग, घड़ी का कोई टाइम बताया जा रहा हो, तो यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल करेंगे हम?
सिंस का इस्तेमाल. इसी तरीके से स्टार्टिंग टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, बिगनिंग, चाइल्डहुड, स्टार्टिंग, ये सब आ जाए फिक्स एक्सप्रेशन, तो इसमें भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल. इसके बरक्स हमारे पास फॉर. फॉर में बहुत ही आसान था, कैलकुलेटेड फिगर आपको बताई जा रही हो तो इसमें आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे. कोई भी मैथ का नंबर आर्स के साथ, एयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, डेज के साथ, वीक्स के साथ, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का. इसी तरीके से एक फिक्स एक्सप्रेशन है मेनी टाइम्स, फॉर मेनी टाइम्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.